गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है जी, सब बढ़िया हो, मज़े आ रहे हैं सबके। इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी होंगे, अभी जो सुपर डेट आ रहा है ना उसमें भी हेल्प करेंगे, और बाकी जो नेक्स्ट सुपर डेट आएगा जूनियर का, सॉरी प्राइमरी का, उसमें भी हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो हिंदी और उसमें करंट अफेयर आता है तो ये क्लास आपके लिए। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो मैंने बताया ना जल के पर्यायवाची याद रखो, तो ये बार अमुनीत जल तीन ए हैं जल के पर्यायवाची। तो बादल के पर्यायवाची के पीछे क्या आता है, द, और कमल के पर्यायवाची के पीछे क्या आता है, ज। तो ये जो ज है ना ये किसके पीछे आना चाहिए, कमल के। तो ये बादल के साथ क्या कर रहा है, ये तो बाहर का आदमी है, इसे भगाओ। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। याद रखना हमेशा ये जो जा आता है ना, जा किसके पीछे लगता है। अच्छा बता देता हूँ, देखो पानी के पर्यायवाची लिखो, तोए बारे, या छोड़ो ये ऐसे याद हो, जल लिख दिया जैसे मैंने, थोड़ा सा आगे करता हूँ यहाँ समझा देता हूँ। जैसे जल लिख दिया, जल के पीछे अगर मैं दा लगा दूंगा तो ये बादल के पीछे, बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जल के जितने भी पर्यायवाची उन सब की कह रहा हूँ मैं, अगर धी लगा दूंगा तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, याद रखना। अगर इसमें मैं जीवन लगा दूंगा तो ये मछली के पर्यायवाची बन जाएंगे, वाहन लगा दूंगा तो ये नौका के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या लगा दूंगा, जा लगा दूंगा तो ये कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। ये याद रख लेना, कम से कम पचास पर्यायवाची याद करा देंगे आपको। ठीक है, ये याद रख लेना, जल के सारे पर्यायवाचियों के साथ ये सब लगा के देखना, सब पर्यायवाची सही बनाएंगे। ठीक है, अच्छा बताता हूँ। अब मैंने बताया ना जा किसके पीछे लगाते हैं, कमल के, तो ये तो होगा नहीं, ये बादल का। आंसर क्या हो जाएगा, डी। स्वतंत्रता का क्या होता है, परतंत्रता। ठीक है, अभी हम क्या हैं, स्वतंत्र, पहले क्या थे, परतंत्र। कब, 1947 से पहले, जब आज़ाद नहीं हुआ था देश। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, शताब्दी में समास किसका होता है, समास का विलोम क्या होता है, द्यास। समास का मतलब क्या होता है बताओ, समास का मतलब अर्थ होता है क्या, छोड़ो अभी दिमाग में नहीं आ रहा। पदों के आधार पर कितने प्रकार का होता है समास, चार प्रकार का। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, छह प्रकार का। ठीक है, समाज का अर्थ होता है संक्षेप। सिर्फ दिमाग में दो चार चीज़ें चल रही हो ना तो गायब रहता है दिमाग एक जगह से। शताब्दी में होगा द्विक समास, क्यों, सौ आ रहा है ना, शताब्दी किस में होती है, सौ साल की होती है शताब्दी, याद है। अब भाई वाम पहला, फर्स्ट या पूर्व पद प्रधान होता है, ये याद रख लेना। तत्पुरुष में दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है, बहुबली में अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, प्रतिदिन में कौन सा समास है, याद रखना, कभी भी ये अव्यय आ जाए, प्रति क्या है, अव्यय तो है, तो आंसर हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का कभी भी बहुवचन दे रखा हो और नीचे लिखा रखा हो क्या ये अव्ययीभाव है, तो कभी भी नहीं बनेगा। कभी भी पार आ जाए ना, गंगा पार, यमुना पार, हिमालय पार, ये सब हमेशा अव्ययीभाव में जाएंगे, याद रखना। कभी भी कह दे पंचगंगम, नदियों के नाम के आगे चार पाँच तीन दो एक कुछ भी लगा दे तो भी वो किस में जाएगा, अव्ययीभाव। द्वंद में क्या होता है, द्वंद तीन प्रकार का होता है, एकरेतर, समाहार और वैकल्पिक, और इसके बीच में ना युजक चिन्ह लगा देता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि कार्य का तद्भव बताओ, तद्भव क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को डिवाइड किया हमने चार प्रकार से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर किया हमने शब्द को दो प्रकार से, सार्थक, निरर्थक। रचना के आधार पर किया तीन प्रकार से, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो ये उत्पत्ति के आधार पर करते हैं ना, तो तद्भव तो वो है तद्भव। ठीक है, कार्य का हो जाएगा काज, क्या हो जाएगा, काज, याद रखना। नेक्स्ट, विचार में जब एक प्रत्यय लगाते हैं ना तो जो आपकी ई होती है ना वो किसमें, इसमें बदल जाती है। ठीक है, याद रखना। अब वैसे भी देखो जब भी आप संधि वगैरह करते हो तो ई किसमें बदलती है, ए या आई में ही तो बदलती है, ऐसे निकाल लेना। और बताऊँ कैसे निकालूँ, अब ये देखो कौन सा आपको इसमें शुद्ध शब्द कौन सा लिख रहा है, वैचारिक कभी बोलते हो या वैचारिक बोलते हो, हमेशा वैचारिक बोला जाता है, ऐसे समझ लेना। प्रत्यय हमेशा आपके पीछे लगेंगे शब्द के, या शब्द के अंत में लगेंगे। कृत प्रत्यय और तद्यत प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, ये पांच, इसके पांच वेद होते हैं, इसके आठ वेद होते हैं। ठीक है, याद रखना। और बस ये क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, उसके साथ भी लग सकते हैं कृत प्रत्यय। तद्यत प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं। अच्छा सच बताना आप लोगों को क्लास पसंद नहीं आ रही है, मतलब कुछ दिन से मैं देखता हूँ व्यूज़ कम हो रहे हैं, अगर नहीं आ रही है तो आप लोग बताना प्लीज़, मैं ना इसमें थोड़ा सुधार करूँगा। और अगर आ रही हो ना प्लीज़ शेयर करके ना थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल बढ़ाना, थोड़ा सा सांत्वना टाइप देना। ठीक है, इसमें जिज्ञासा से विशेषण बताना है,
तो ऐसे बोलते हैं ना, ये बड़ा जिज्ञासु बालक है। कैसा बालक है? जिज्ञासु बालक है। हमेशा ना शब्द को संज्ञा से पहले लगा के देख लो, अगर सही फिट बैठ रहा है तो सही है, वो विशेषण है। विशेषण चार प्रकार का होता है, GSPS बताया ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से दो प्रत्ययों वाला शब्द कौन सा है बताओ। देखो वास्तविक में, देखो वास्तविक, रुको, वास्तव बनेगा पहले तो शब्द इसमें, फिर बनेगा एक प्लस ता, तो इसमें ये दो प्रत्यय है ना, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधकार या अंधेरा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से एक प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ नहीं हुआ है, किसके साथ नहीं किया जा सकता है? तो देखो, सॉरी, हाँ देखो, हाँ अब स्टार्ट कर दें। एक प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ? जीव के साथ एक, जैविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक। भय के साथ हम एक का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, अपराध शब्द क्या है? अपराध है वो व्यक्ति तो है नहीं, पदार्थ है नहीं, जाति है नहीं, ये क्या भाव है, चोरी चकारी, अपराध, ये सब। ठीक है, याद रखना। संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार की होती है, व्यक्ति, जाति, भाव। ठीक है, व्यक्ति, जाति, भाव, और जाति दो प्रकार से हो जाती है, द्रव्य और समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट, फिट और इंसान। फिट देखो देशज तो हो नहीं सकता, तत्सम है नहीं, तद्भव है नहीं, तो क्या बच गया? आगत बच गया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें देखो कि त किस वर्ग का नहीं है, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं, तथ द ध न ध द न, ये सब आगे, म पफ प म, ये तो क्या ओष्ठ से बोले जाता है, कहाँ से, ओष्ठ। ठीक है, और ता वर्ग में और क्या आते हैं, ला और सा और आते हैं, ये भी याद रख लेना। राजा नगर में आई, अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार का है बताओ। राजा नगर में आई क्या है, विधानवाचक है। अर्थ के आधार पर पूछा, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, बाकी आठ प्रकार के। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। नेक्स्ट, संबंध बहुबरी का समास है बस बताना है, तो बहुबरी कौन सा है इसमें, ये सब कुछ नहीं है। दशानन है, दशानन किसको कहते हैं, रावण, बताया था ना, अन्य पद प्रधान होता है। दशानन का मतलब क्या है, अन्य और किसी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्लीज शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, समझ में आया आप सबको, तो कर देना प्लीज। ठीक, मैं खाना खा चुका हूँ तब वो आया, तो एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड है, जब डिपेंड होता है तो मिश्र वाक्य होता है, उसमें ज़्यादातर की मिलता है, क्या मिलता है, की। ठीक है, और जो सो इस तरीके से भी। ठीक है, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब और ऐसे ये निकाल लेने थे, तब वह आया, तब वह आया, ये बोल के आप ऐसा नहीं लग रहा कुछ अधूरापन सा है, कब वह आया, ये अगर मैं इतना सा सेंटेंस बोलूँ आपको, तब वह आया, तो आप पूछोगे ना कब वह आया, तो आप कहोगे जब मैं खाना खा चुका। जब ऐसे कोई वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होता है ना, तो मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, और संयुक्त में किंतु परंतु और एवं इसलिए वर्णन इससे जुड़ा रहता है। मेरा कुत्ता काला है, काला बताना है इसमें क्या विशेषण है, कुत्ता क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और एक काला बाद में आ रहा है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। कौन सा, उद्देश्य विशेषण, याद रखना। अगर मैं बोल देता मेरा कुत्ता बहुत काला है, तो बहुत हो जाता है इसमें प्रविशेषण, ये भी याद रखना। ठीक है, क्रिया याद रख लो, रचना के आधार पर दो प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है कौन सा, अच्छा पहले तो अल्प विराम देखो ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो अर्ध विराम, अर्ध विराम कहाँ दे रखा है इसमें, दोबारा पढ़ लेते। निम्न वाक्य में से कौन सा विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है। अच्छा देखो ये कह रहा है कौन सा है, अब देखो आखिरी में क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा ना इसमें, तो पूर्ण विराम का लोप है इसमें। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, संस्कृत के बेशब्द जिन्हें हिंदी में प्रचलित हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इसका जवाब तो आप दे ही देना है एटलीस्ट, ये तो आता होगा, ना आता हो ना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूँगा। एक अनार सौ बीमार, देखो मैंने मुहावरे में कहा है, मुहावरे के पीछे क्या लिखा रहता है, ना, इसके पीछे कहीं ना है नहीं, तो ये तो काट दो, बाकी आंसर नहीं ये है नहीं। अगर इस तरीके से कोई आ जाए ना, तो या तो लोकोक्ति होगा या मुहावरा, अगर किसी के पीछे ना आ रहा है तो वो क्या होगा, मुहावरा, नहीं आ रहा है तो क्या होगी, लोकोक्ति। इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं, और वीडियो को प्लीज़ शेयर करेंगे। ठीक है, कर देना। भिन्न भिन्न स्वरों से जो मिलके बनते हैं ना, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, याद रखो, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, 7, और ह्रस्व स्वर की 4। अ ई ऊ री को छोड़ दो, सब दीर्घ बच जाते हैं। और दीर्घ में भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो संयुक्त स्वर और एक मूल दीर्घ। इतना ज़्यादा मत जाओ, केवल इतना याद रखना, 7 होती है। ठीक है, गौरव गाथा के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ये इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं योजक। और जो चिन्ह की संख्या कितनी मानी, 20, किसने मानी, कामता प्रसाद गुरु, 1 हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। याद रखो, हंसपद इस तरीके का लगाते हैं। ठीक है, लाघव इस तरीके का लगा देते हैं, जैसे लिखते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूँ इंजीनियर राहुल पांडे,
तो ये इंजीनियर लगाता हूँ ना, तो ये ऐसे इस तरीके की बिंदी लगा देता हूँ, क्यों पूरा इंजीनियर नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह ये तो इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपकी जो आईडी है वो इंजीनियर राहुल पांडे, ईआर का मतलब क्या? ये होता है इंजीनियर, मतलब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है इसलिए लगाता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं, तो चलो वो ध्यान मतलब क्लियर हो गया होगा। पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? पॉकेट को मारने वाला, ठीक है। आंसर क्या हो जाए? तत्पुरुष। इसमें दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की बात, प्रधान अध्यापक की बात सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया, तो क्या होगा? अपना अपना सा मुंह लेकर रह गया, ठीक है। ये होगा आंसर, क्या हो जाएगा इसमें? बी। मुहावरे में क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है, अरबी भाषा का होता है, वाक्यांश होता है। यहाँ से ना तीनों, ये जो तीन फैक्ट बताए ना, तीनों फैक्टों से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। आंखें दिखाने का मतलब क्या होता है? क्रोध से देखना। क्या होता है? क्रोध से देखना, ठीक है। मैंने बताया था ना मुहावरे के पीछे ना 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 आ रहा है। कहूँ रावण रावण जग देते, एक रावण कह रहा है रावण जग में देते, तो व्यक्तिवाचक किस में बदल रही है? जातिवाचक में, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, भगवत गीता, भगवत धन गीता इस तरीके से बनेगा, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग, ठीक है। अनुकरणी में प्रत्यय बताना कौन सा? अनुकरण धन ई, अनुकरण धन ई इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब छोटी ई क्यों नहीं बनाई? बड़ी ई की मात्रा लग रही, छोटी कैसे लगा दूंगा? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। बर्तनी बतानी कि कौन सी शुद्ध है? मैंने कई बार बताई है ये बर्तनी। उज्ज्वल लिखो जल्दी से, द्वारका लिखो जल्दी से, वाल्मीकि लिखो जल्दी से, अहल्या लिखो जल्दी से, ठीक है, निरोग लिखो, और दारोगा लिखो, ठीक है, और ज्योत्सना लिखो, त्योहार लिखो, न्योछावर लिखो, चाहिए लिखो, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना, और द्वंद्व इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी वाक्य के अंश को हम निम्न में से क्या कहेंगे? पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, पढ़ाए ना मैंने कितने अच्छे से समझाए थे, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि अभी तक याद हो आपको तो वो सब, ठीक है। अब ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पता है भाई साहब इतना, कहते हैं मक्खन क्वेश्चन। अच्छा चलो, मैं जिस क्वेश्चन को मक्खन क्वेश्चन बोल लिया करूँ उसे बिल्कुल ही नोट कर लिया करूँ कॉपी में। बताओ क्यों मक्खन क्वेश्चन है, इसके पीछे रीजन बताता हूँ। तो देखो, 51 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, तो पहले बता दूँ रजनीकांत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम के लिए। अब क्यों? तमिलनाडु में हो रहे हैं चुनाव, तो सब लोग कह रहे हैं सरकार ने इसलिए दिया है क्योंकि तमिलनाडु के वोटरों को ये चक्कर में, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर ना विवाद छिड़ गया, तो इसलिए ये क्वेश्चन ना सबकी नज़रों में आ गया, जरूर पूछा जाएगा। अब देखो, सबसे पहले किसको दिया गया था ये बताओ, देविका रानी को दिया गया था या नहीं दिया गया था? देविका रानी को, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। ये देविका रानी को सबसे पहले दिया गया था या नहीं? सोनू सूद की ये किताब है आई एम नो मसीहा, हो ना सक ऐसा हो नहीं सकता कि पूछा ना जाए। नेक्स्ट, अच्छा डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया इस बात 51 में, याद रख लेना ये भी। नेक्स्ट, भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में? मक्खन क्वेश्चन है ये, बताओ रीजन बताता हूँ क्यों पूछा जाएगा। पहली बार तो इंडिया एनपीटी न्यूक्लियर एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में नहीं है, ठीक है, और ये एनपीटी वगैरह साइन नहीं कर रखी, तो हम लोग ना कहीं किसी दूसरे देश में जाके पावर प्लांट नहीं लगा सकते। मगर इंडिया पहली बार ऐसा कर रहा है कि किसी दूसरे देश में जाके पावर प्लांट लगा रहा है, तो इंडिया ने क्या करा? इंडिया प्लस रसिया एक साथ मिल गए, तो रसिया के पास तो सारी सुविधाएं, तो इंडिया और रसिया दोनों मिलके बांग्लादेश में अभी क्या लगाएंगे? रूपपुर परमाणु ऊर्जा। सीधे क्वेश्चन पूछेगा रूपपुर परमाणु ऊर्जा कहाँ लगेगा? बांग्लादेश। ये पूछेगा भारत किसके साथ मिलकर लगाएगा? रसिया। भारत सबसे पहली बार किस देश में जाके लगा रहा है? बांग्लादेश। हजार तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल ना मानव अधिकारों के लिए बहुत बात करती है, ठीक है, एग्नेस काल मार्ट, ऐसे याद रखना, ए से एमनेस्टी, ए से एग्नेस, ठीक है। ऐसे और बताऊं, ए से एमनेस्टी, ए से ना एन को काट दो इसमें, ए से एज लिखो। एमनेस्टी इंटरनेशनल हर एज के आदमियों की बात करती है, ठीक है, याद रखना। अब एक चीज़ और देखो, ये जो है ना नगोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्या है? पहली मतलब अश्वेत हेड बनी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड कौन है? नगोजी। इस क्वेश्चन को मक्खन लगा के लिख लेना, ठीक है, जरूर पूछा जाएगा ये नगोजी वाला, ठीक है। एनडीजेसी क्या है? अमेजन के बने,
अमेजन के जो थे ना उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, अब ये बन गए। अच्छा अब आपको बताऊं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हो ना, अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, उनकी बीवी है, उसका तलाक हो गया। अब उन्होंने शादी पता है किसे करी है? टीचर से, एक और टीचर भी कैसा है, बहुत ही मतलब छोटे से स्कूल का टीचर है, उससे शादी करी। सोच रहे हो? ये बस जस्ट एक हंसी के लिए फैक्ट बता दिया आपको, ठीक है नेक्स्ट। हाँ अपने आप को कम मत समझा करो, टीचर हो आप लोग, आपको भी क्या पता कल कोई अंबानी की पत्नी आके कहे कि अब मुझे तुमसे शादी करनी है, ठीक है। अच्छा चल मजाक बहुत हो गया। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद पर पुराने वाहनों के सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कितने परसेंट कर में छूट देगी? तो 25% देगी, याद रखना। ये पता क्यों पूछा जाएगा? अभी ये जो है ना वाहन नीति, स्क्रैप पॉलिसी लेके आई है सरकार। क्या लेके आई है? स्क्रैप पॉलिसी। स्क्रैप पॉलिसी के तहत सबसे ज़्यादा ये वाहन कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन जरूर पूछा है। और नितिन गडकरी ये जो रोड ट्रांसपोर्ट के हेड हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। रट लेना मक्खन क्वेश्चन है। कौन कौन से? नितिन गडकरी का नाम याद रख लेना, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वाहन है, ये याद रख लेना। स्क्रैप पॉलिसी में 25% जरूर पूछा जाएगा, सच बता रहा हूँ। फालतू अपने नंबर कटाया हो। देखो करंट अफेयर में ना जरूरी नहीं है आप पढ़ के आ रहे हो, जरूरी है कि आप सही क्वेश्चनों को कम से कम याद करके ले जाओगे ना। वो जब आप डेली 20 क्वेश्चन पढ़ लो, याद ना रहे आपको एक भी, इससे बढ़िया तो 4-5 क्वेश्चन पढ़ो, और वो पढ़ो जो आएंगे ही आएंगे। और हर क्वेश्चन को ये देखो, पेपर में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है ना उसके पीछे रीजन होता है। जनरल क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाते, कभी भी नहीं पूछेगा। नहीं तो अभी कभी आपने देखा है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कभी देखा है? कभी नहीं पूछा उसने, क्यों? सबको पता है नेहरू थे, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन के पीछे ना लॉजिक होना चाहिए जब पूछता है। पहली ग्लोबल जेंडर गैप रिकॉर्ड आई है, गैप रिपोर्ट आई है, तो इसमें कौन, इसमें ना इंडिया कौन से पे पहुंच गया? 140, 140 पे पहुंच गया। अब देखो बताऊं रीजन, पहले इंडिया ना 128 पे था, अब पहुंच गया 140 पे, 22 पायदान की गिरावट हो गई। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो ये याद रख लेना। डेमोक्रेसी में अभी 53 भी याद आई थी अपने, भी याद रखें, और अपनी हैप्पीनेस में 139 थी। अच्छा देखो हम लोग हैप्पी कम है क्योंकि उसके बाद जेंडर में गैप ज़्यादा है, ऐसे याद रख लेना। जेंडर गैप रिपोर्ट पता है किसके? सोशल लेवल पे, घर के काम करने के लेवल पे, जॉब के लेवल, बहुत 4 लेवल पे बताई निकाली जाती है। तो 140 नंबर है, याद रख लेना, जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि 22 लेवल की गिरावट हुई है, 22 पॉइंट की। बाकी सब ना पाकिस्तान और ये सब ज़्यादातर देशों की हालत हमसे अच्छी है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो हाल ही में 2 ऊर्जा हरित कुशल शहर भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? मक्खन क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा, कोई किसी भी राज्य के हो आप जरूर पूछेगा। जो बिहार में, बिहार ने पहली एथेनॉल संवर्धन नीति लाने वाला राज्य बनाया, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अच्छा पहला टायर पार्क कहाँ पे बनाया? ये पश्चिम बंगाल बनाया, ये भी याद रखें। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वाहन है स्क्रैप पॉलिसी वाले, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और बस नेक्स्ट है, अभी देखो सरकार ना कितना रुपया उधार लेगी, कितने रुपये उधार लेने जा रही है? 7.24 लाख करोड़, देख रहे हो। ये सारा जो बिल फटेगा ना किस पे फटेगा? हम पे फटेगा, बताओ कैसे फटेगा? 30 रुपये लीटर पेट्रोल पड़ रहा है अभी, सरकार को बेच कितने का रही है? 100 रुपये का। सोचो ये 70 रुपये का बिल कहाँ पे फट रहा है? हमारे नाम पे फट रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम तो टैक्स ही नहीं देते, ये जो कभी पेट्रोल भराने जाते हो टैक्स कौन देता है? ये हम लोग देते हैं। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग, आप लोग क्या पेट्रोल पीते हो, आपको क्या करना, कितना पेट्रोल चाहिए? तो देखो ये पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना तो ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ती है तो सारी सामान की कीमत जो इधर से उधर होता है उस गुड्स की सर कीमत बढ़ती है, गुड्स की कीमत बढ़ती है तो वही चीज़ हम खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो कभी ये मत सोचना कि आप लोग पेट्रोल का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब पे फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ठीक है। बाकी आज का आपका क्वेश्चन है कि ये बताना विशेषण कितने प्रकार के बताए थे आज मैंने, के प्रकार कितने बता रहे? देखो पूरे मन से पढ़ाया मैंने, आप लोग भी अगर पूरे मन से शेयर कर दोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, इसका क्वेश्चन का जवाब देना। अगर वीडियो आज अच्छी लगी हो ना तो बताना जरूर अच्छी लगी, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।